तो ये चिकन ला चुके हैं भाई, दिखा देते हैं पर चिकन का प्रोसेस क्या क्या होने वाला सारा कुछ वीडियो में बताएंगे। तो ये जैसे देख सकते हो आप इनको, अब लो उनसा नया नया पुराने वाले कहाँ गए? नहीं ये हिंदी तो अपन अभी डिनर करने के लिए आ गए, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि डिनर में अपना थोड़ा यूनिक कुछ है, ये है ये लग चुका है और ये फायर पे आ गया है, ये देख सकते हैं। मतलब इस तरीके का मजा मिलने वाला है यहाँ पे आने के बाद, देख सकते हो आप, देख सकते हो आप लोग किस तरीके से एंजॉय हो रहा है यहाँ पे, और आप लोगों को काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में, इसीलिए कह रहे हैं प्रॉपर देखते रहिए और प्रॉपर डायरेक्शन बताने वाले किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। मतलब इंडिया के हर कोने जा सकते हो आप लोग, मगर नेपाल आने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा नॉलेज चाहिए आपको, इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आप लोगों तक हम लोगों का किस किस तरीके से जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री है और किस तरीके से यहाँ तक आ जाओगे, कम बिल्कुल कम बजट में अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए आप यहाँ पे आओ और देखो क्या क्या चीज। आप रियली बता रहा हूँ लाइफ का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस लोगे यहाँ पे आके, और देखिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों का लाइफ का, हम तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मतलब इस तरीके से देखें हम भी करके, तो ये देख सके बिल्कुल मतलब खड़ा है चिकन, तो इसको भी कम से कम हम लोगों को लग जाएगा एक घंटा, मतलब एक घंटा तक लग जाएगा, ये प्रॉपर बनते रहेगा फिर अच्छा तरीके से ये बिल्कुल मतलब कि रोस्ट हो जाएगा। रोस्ट होने के बाद इसमें और भी कुछ इसमें बटर वगैरह चाहे ऑयल वगैरह मस्टर्ड ऑयल वगैरह लगाया जाएगा, उसके बाद रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ऑन साइड से ले लेके खा सकते हैं, मगर बनने में भी टाइम लगेगा, बट आप लोगों को हम जैसे बता रहे हैं हम लोगों दादा नेपाल से हम लोग 100 किलोमीटर अंदर आए, आप लोग अपना पर्सनल गाड़ी भी ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल गाड़ी भी लेकर आओ, बट क्या है ज्यादा महंगा भी नहीं, गाड़ी एंट्री करोगे बॉर्डर पे रोकोगे जब तो 100 से 150-200 रुपए का आपका एक भंसार कटेगा, भंसार भी इजिली कटेगा, बहुत पोलाइट नेचर के रहते हैं नेपाल के लोग, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके व्यवहार करेंगे, ये नहीं कि हमें नहीं पता हमें क्या पता आप आए हो ऐसा, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं नेपाल के लोग, आपको बताएंगे वहां से आपका एक पेपर बन जाएगा, फिर उस पेपर बनने के बाद फिर एक यातायात का पेपर बनता है, वो पेपर कंप्लीट होने के बाद रूट बहुत ही इजी है, एक बार आपको कोई रूट बता देगा डायरेक्ट आप इस जगह पे आ जाओगे, आपका जो बॉर्डर से यहां तक आने के लिए एक सौ बीस किलोमीटर है, आके आराम से यहाँ पे आप रिसोर्ट भी ले सकते हो, रिसोर्ट बहुत ही सस्ता है, अपना इंडिया में क्या है 5,000-6,000-10,000, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे ओनली आप 1500 रुपये नेपाली मतलब आईसी बोले तो आप 900 रुपये में एक बहुत अच्छा रूम ले सकते हो, बहुत अच्छा, और ये सब जो भी हम लोग खाने पीने का मैनेजमेंट है बहुत ही कम रेट में होता है, ऐसा कोई भी चीटिंग नहीं होता है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता नेपाल में, और इस तरीके से मतलब ये सेटिंग है, और आप लोग अगर आओगे तो हकीकत कहोगे कि हाँ हम कई जगह पे गए थे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले, क्योंकि इंडिया में इंडिया कल्चर आप लोग बहुत देखे बचपन से उम्र कटा दिए, पर एक बार नेपाल का कल्चर देखे बहुत मजा आने वाला है, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं और क्या क्या होने वाला है। तो फाइनली ये रेडी हो चुका है, बंदर लेके जा रहे हैं, इसे पीस करेंगे, पीस करके भाई लेकर आएंगे, फिर उसके बाद दिखाते हैं किस तरीके से रेडी हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर वीडियो हम दिखाने वाले, कंटिन्यू वीडियो में बने हैं, वीडियो को स्किप करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए, चलिए मिलते हैं आगे देखते क्या होता है इसके साथ। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो बोन फायर का काफी मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, तो इसी तरीके से आप लोग भी टूर ले सकते हैं, जो कि इंडिया के हर जगह आप लोग घूम सकते हो, मगर नेपाल का टूर थोड़ा टफ रहता है, आप लोगों को पता नहीं रहता, तो हम लोग स्पेशली नेपाल का टूर कराते हैं, तो इंडिया टू नेपाल किस तरीके से जाना, हम लोग को धनगढ़ी बॉर्डर से लेके जाते हैं, धनगढ़ी टू चीसापानी, जो चीसापानी बहुत अच्छा मानसरोवर का सबसे पुराना रास्ता रहता है, और बहुत जापानीज ने ब्रिज बना रखा है चीसापानी में, वो भी लोकेशन हम लोग ट्रैक कराते हैं, उसके बाद उसी डे में हम लोग बर्दिया नेशनल पार्क लेके जाते हैं, तो ले जाने के बाद फिर हम लोगों का 3 नाइट 4 डे का टूर रहता है, 3 नाइट 4 डे का, जो बर्दिया नेशनल पार्क ले जाके सेकेंड डे हम लोगों को फुल डे सफारी रहता है, फुल डे जंगल में हम लोग ट्रेवल करेंगे, और
अपना लंच भी रहेगा, लंच कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोगों का रहता है। फिर उसके बाद टाइगर देखने के सबसे ज्यादा चांसेस बर्दिया में, बर्दिया नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा चांसेस है टाइगर देखने का। फिर उसके बाद हम लोग शाम को टूर करके आते हैं, तो शाम को थारू कल्चरल डांस होता है जो देख सकते हो आप, वीडियो डाल रखे हैं थारू कल्चरल डांस का, लिंक सेंड कर देंगे। बाकी उसके बाद फिर बोन फायर होता है, बोन फायर आप लोग कर सकते हो चिकन। फिर नेक्स्ट डे हम लोग लेके जाते हैं आपको गोल्ड माइनिंग, जो गोल्ड माइनिंग होता है जो नदी से किस तरीके से सोना निकालते हैं, जो कि नेपाल में एक ही जगह से निकलता है नदी से सोना, जो आप लोगों को भी सुना होगा, देखा भी होगा न्यूज में, तो उस लोकेशन में भी लेके जाते हैं, वीडियो भी बनवाते हैं हम लोगों ने कि किस तरीके से गोल्ड निकालते हैं। फिर उसके बाद लेके जाते हैं इंडिया नेपाल कॉरिडोर पे, जो इंडिया नेपाल ओल्ड लाइफ का कॉरिडोर है, सबसे बड़ा कॉरिडोर इंडिया नेपाल का है, जो एनिमल्स इधर से उधर होते हैं जो टाइगर वगैरह। फिर उसके बाद लेके जाते हैं हम लोग बनाना रेस्टोरेंट, जो कि वहाँ पे 40 से 50 प्रकार का बनाना का आइटम बनता है, जैसे खीर हो गया, रोटी हो गया, पकौड़ी हो गया, चटनी हो गया, अचार हो गया, मतलब एवरीथिंग बनाना का ही रहता है। फिर उधर से डीएंड करते हैं, मतलब टूर पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर हम लोग लाके बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। अब वो किस तरीके से मैनेज करना है, सामने से कॉल आएगा, स्क्रीन पे नंबर भी मिलेगा, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूरा इंक्वायरी कर लीजिएगा किस किस हिसाब से सेटल कर सकते हैं। कोई बाहर का रहता है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग टूर पैकेज करवाते हैं। हम लोगों का पास में एयरपोर्ट बरेली एयरपोर्ट रहता है, तो बरेली एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप कर देते हैं। तो जिस किसी को इंक्वायरी करना है इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे चल रहा होगा। बाकी इंडिया नेपाल को जो भी इंटरेस्टेड है हम लोग टूर करा सकते हैं। मिलते हैं, कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, देखिए वीडियो में क्या क्या चीज देखते हैं। जो अभी मुर्गा गया था यहाँ से रोस्ट होकर, तो कुछ तो प्रॉपर तरीके से पक चुका है, वो तो हो गया, प्लेट में आ चुका है खाने के लिए, और कुछ ऐसे पीसेज इसमें जो बच जाता है जो सही से नहीं पका था, उसको फिर से इसको इस तरीके से फ्राई करना पड़ता है। ये देखिए फिर से रख दिया गया, और इधर ये सब रेडी हो चुका है, तो अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं किस टाइप से लगता है, उसके बाद आगे बताते हैं कैसा लगा ये।